तो आज हम लोग जो है 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को कहा जाता है वेव्स, या कहें कि वेव ऑन स्ट्रिंग। ये जो चैप्टर है जेई के हिसाब से काफ़ी स्कोरिंग है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं आसान होते हैं, क्वेश्चन इसके करने लायक होते हैं, ठीक है। और खास बात यह है कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे 3 चैप्टर में यूज में आते हैं। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव, उसमें इसका कॉन्सेप्ट यूज में आता है। फिर 12th में जाकर के 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है वेव ऑप्टिक्स और फिर एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज में आता है, इसलिए ये चैप्टर जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को वेव के डिफिनीशन से। तो इसका जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है कि इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना। तो बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे वेव्स जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोई मीडियम है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो डिस्टर्बेंस वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है। जब आगे की तरफ जाता है तो अपने साथ में एनर्जी और मोमेंटम जो है वो लेकर के जाता है। जैसा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि पॉन्ड है, लेक है, कोई लेक में जो वाटर है स्टेशनरी रहता है, उसके सरफेस पर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया हमने। स्टोन ड्रॉप करने से क्या होता है, सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। जैसे देखेंगे, मैंने यहां पर फिगर बनाया है, अगर बिल्कुल बीच में यहां पर मैंने कोई स्टोन गिराया तो ऐसे सर्कुलर रिपल्स बनते हैं और ये रिपल्स जो है वो आगे की तरफ फैलते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक। तो ऐसा समझे कि ये जो बोर्ड है कोई वाटर सरफेस है ना, और वाटर सरफेस पर एक बोट यहां पर रखा है, वो भी बोट जो है ये कागज का बोट है जो बच्चे बनाते हैं, है ना। तो ये कागज का बोट है। अब देखेंगे कि यहां पर अगर स्टोन गिराया गया तो ऐसा रिपल सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। ये जो यहां पर सर्किल दिखाया है, ये सर्किल पहले यहां पर जनरेट होगा, उसके बाद ये वाला यहां जनरेट होगा, उसके बाद ये वाला जनरेट होगा, है ना। जो सबसे ज्यादा रेडियस का रिपल बना है वो सबसे पहले यहां से जनरेट हुआ होगा, क्योंकि उसको स्प्रेड होने का समय ज्यादा मिला, इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। तो ये वाला रिपल जो है पहले यहां से जनरेट होगा और आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, धीरे धीरे फैलते जाएंगे। ये बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पर जनरेट होते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाला सर्कुलर रिपल यहां पर पहुंचेगा तो ये जो बोट है वो ऊपर उठ जाएगा, है ना। होता क्या है कि जब सर्कुलर रिपल्स जैसे जाता है तो एक तरह से जैसे लहरें उठती हैं वैसा चलता है, वहां का वाटर ऊपर उठ जाता है ना। तो अगर यहां पर बोट है तो जैसे ही वो रिपल आएगा तो बोट जो है हवा में उठ जाएगा ऊपर, लेकिन जैसे वो रिपल क्रॉस करेगा वापस बोट जो है अपनी पोजिशन पर चले जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे जाएगा तब तक दूसरा वाला रिपल आ जाएगा, दूसरा वाला रिपल आएगा तो फिर से वहां का वाटर उठा होगा, तो वाटर के साथ में ये बोट भी उठ जाएगी, फिर उसके निकलते ही बोट जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा रिपल आएगा, तीसरा रिपल आते फिर से बोट ऊपर उठ जाएगा, तीसरा रिपल निकला बोट वापस नीचे आ गया। इस तरह से लगातार रिपल्स आते रहेंगे और बोट ऊपर जाएगा फिर वापस अपनी पोजिशन पर नीचे आ जाएगा। तो अगर रेगुलर इंटरवल पर ऐसा हो रहा हो तो आप बोट का मोशन देखें, बोट का मोशन कैसा हो रहा होगा। बोट जो है ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है नीचे, ये ऊपर नीचे जो जा रहा है बार बार, तो एक तरह से ये पीरियडिक मोशन कर रहा है ना। हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, लेकिन पीरियडिक तो है, इतना तो कह सकते हैं। तो ये अपने साथ में जो है ये जो डिस्टर्बेंस जा रहा है अपने साथ में कुछ एनर्जी लेकर के जा रहा है, क्योंकि जो बोट स्टेशनरी था वो अचानक ऊपर नीचे आने जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टर्बेंस जा रहा है उसको एनर्जी दे रहा है और एनर्जी की वजह से ये जो बोट है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, समझ गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करता है तो वेव ट्रेवल करता है तो अपने साथ में एनर्जी कैरी करता है ना।
एनर्जी कैरी करता है और मोमेंटम कैरी करता है, वो आगे जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर बोर्ड जो है मीडियम के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स को वो एनर्जी दे देता है, मोमेंटम दे देता है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब खास बात यह है कि अगर रिपल्स आने बंद हो गए तो ये बोर्ड जो है ऊपर नीचे जाना भी बंद हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोट अगर SHM भी कर रहा होगा, तो जैसे कि SHM हम लोग मानते हैं कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एनर्जी कभी कम नहीं होती, नहीं तो एम्पलीट्यूड तो घटने लगेगा, फिर पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी एनर्जी कांस्टेंट मेंटेन कैसे रहती है ऊपर नीचे जाने आने के लिए, जब तक ये रिपल्स आते हैं उसको एनर्जी बार बार सप्लाई करते रहते हैं, तो जितनी एनर्जी उसकी घटती है फिर वापस उधर से आ जाती है, तो चूंकि उसको बार बार एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, कुछ एनर्जी उसके पास निकल भी जा रही है, जैसे रिपल आगे गया तो एनर्जी चली गई, लेकिन फिर कोई रिपल आ गया उसको एनर्जी देने के लिए, तो इस तरह से बार बार एनर्जी सप्लाई की जाती है वेव द्वारा, है ना। तो पार्टिकल्स के पास जो है वो एनर्जी वेव सप्लाई करता रहता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं, जब वेव गायब हो जाएगा तो पार्टिकल का जो मोशन है वो भी गायब हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, जैसे इसमें कहा कि जो ये वाला रिपल जाएगा तो ये बोट ऊपर उठ जाएगा, लेकिन इस रिपल के आगे निकलते ही बोट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर दूसरा वाला रिपल जाएगा बोट ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरा वाला निकलते ही बोट वापस अपनी जगह पर, फिर तीसरा आएगा बोट ऊपर उठ जाएगा, तीसरा रिपल निकलते ही बोट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस जब भी वहां पर जा रहा है तो अपने साथ एनर्जी लेकर के जा रहा है, उस बोट को एनर्जी दे रहा है और मोमेंटम भी दे रहा है, क्योंकि अचानक वो चलने लगा है। तो कह सकते हैं कि जब भी वेव चलता है तो उसके साथ में दो चीजें जो है वो मोशन में होती है, एक तो वेव खुद ही चलता है, साथ में मीडियम का जो पार्टिकल है वो भी चलता है। तो कह सकते हैं कि व्हेन वेव मूव्स देन टू थिंग्स मूव, कौन कौन, एक तो पहला जो है वेव इटसेल्फ और दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, दो चीजें चलती हैं, मतलब कि वेव खुद भी चल रहा होगा, साथ में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी चल रहे होंगे। तो ये तो हो गया, हमने जो समझाया वेव के बारे में वो समझाया कि वाटर सरफेस पर जो रिपल्स बनते हैं, जो वेव बनता है उसके हिसाब से। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है वेव ऑन अ स्ट्रिंग का है, तो उसमें कैसे एनर्जी कैरी करता है वेव, कैसे डिस्टर्बेंस चलता है, उसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मैं यहाँ पर समझे कि ये एक वाल है और इस पर हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया, ठीक है। अब एक आदमी जो है वो यहाँ से इस स्ट्रिंग को पकड़ करके ऊपर नीचे कर रहा है इसको। जैसे आप देखेंगे कि मैंने कहीं पर एक आगे दीवार है तो दीवार से मैंने रस्सी बांध दिया, है ना। अब क्या करूँगा, इस रस्सी का ये वाला एंड जो कि फ्री है, मैं रस्सी को यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ और फिर वापस नीचे लाता हूँ। तो ऊपर ले जाकर नीचे लाने से एक ऐसे शेप का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, मैं यहाँ पर फिगर में दिखाऊं तो एक ऐसे शेप का डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अगर यहाँ से हमने ऊपर किया नीचे तो ऐसा एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, है ना। और इसको ऐसे करते ही जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो भागेगा आगे की तरफ, यहाँ पर अगर इधर से क्रिएट करेंगे तो ये भागेगा इधर की तरफ, बिल्कुल वैसे जैसे चूहे भागते हैं, जैसे चूहे भागते हैं वैसे ये डिस्टरबेंस जो है वो भागेगा इधर और यहाँ की तरफ आ जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि रेगुलर इंटरवल पर ऐसे करते करें, एक बार ऐसे किया फिर फिक्स टाइम के बाद फिर किया, फिर फिक्स टाइम के बाद ऐसे किया, मतलब हर रेगुलर इंटरवल पर अगर ऐसे करते रहें तो इसी टाइप का शेप यहां पर बार बार बनता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, है ना। यानी अगर किसी पोजिशन की बात करें, यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर ये शेप जो है ये शेप चलता हुआ यहां पर आएगा, तो स्ट्रिंग का ये जो पार्टिकल है ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। और जैसे ही ये डिस्टरबेंस आगे निकलेगा तो ये स्ट्रिंग जो है वापस नीचे आ जाएगा। फिर चूंकि रेगुलर इंटरवल पर ऐसा डिस्टरबेंस आते जा रहा है, ये जो डिस्टरबेंस है ये आते जा रहा है, तो जब ये डिस्टरबेंस निकलेगा तो ये स्ट्रिंग जो है वापस आ जाएगा अपनी पोजिशन पर,
ठीक है, लेकिन जब ये दूसरा वाला ये स्ट्रिंग भी चल रहा है, ये वाला डिस्टर्बेंस जो है ये सब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जब ये वाला पहुंचेगा तो फिर से ऊपर चले जाएगा, फिर ये डिस्टर्बेंस निकलते ये वाला डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते वापस नीचे आ जाएगा, तब तक ये तीसरा वाला पहुंचेगा, जब तीसरा वाला पहुंचेगा तो फिर ऊपर उठ जाएगा, है ना, इसके निकलते फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर चौथा आएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर एक पार्टिकल की बात करें तो ये बार बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो पार्टिकल है एक तरह से पीरियडिक मोशन कर रहा है। अब अगर ऐसा माने कि जैसे चूहे जैसा शेप जो बन रहा है ये आगे की तरफ भाग रहा है ना, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि यहां पर एक बार हाथ से ऊपर से करेंगे और फिर एक बार नीचे से भी करेंगे, खींचेंगे, मतलब एक बार ऊपर से करेंगे तो ऐसा शेप बनेगा, फिर एक बार नीचे से खींचेंगे तो ऐसा शेप भी बनेगा। मतलब ये है कि ऊपर से करने पर ऐसा एक ऊपर से चूहा ऐसा जा रहा होगा, नीचे से करने से एक नीचे वाला चूहा भी जा रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब लगातार अल्टरनेट ऊपर और नीचे करेंगे, लगातार ऊपर नीचे करने से क्या होगा, एक बार ऊपर वाला आया फिर नीचे वाला आया फिर ऊपर वाला आया फिर नीचे वाला, ऐसे बनेंगे। अब क्या होगा, यहां अगर किसी पार्टिकल की बात करें तो पहले ये वाला पहुंचेगा यहां पर तो ये ऊपर चले जाएगा, है ना, ये चले जाएगा ऊपर। अब जैसे ही ये शेप जो है ये शेप इसको क्रॉस कर रहा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाला शेप गुजरेगा तब तक ये वाला शेप नीचे पीछे पहुंचने वाला होगा, जब ये पहुंचेगा तो स्प्रिंग जो है नीचे जाने लगेगा ये पॉइंट, है ना। पहले क्या होगा, पहले ऊपर वाला पहुंचेगा कुछ ऐसे तो ये ऊपर चला गया होगा, इसके जैसे जैसे पास में आ रहा होगा ये नीचे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचते ही वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला डिस्टर्बेंस यहां पर लाइन में लगा होगा इसके पीछे, तो जब ये पहुंचेगा तो ये नीचे आने लगेगा, है ना। अब होगा क्या, कुछ देर बाद ये वाला यहां पहुंचा होगा तो ये पॉइंट नीचे पहुंच चुका होगा, अब जैसे जैसे ये शेप इधर जाएगा तो ये उधर पहुंचने लगेगा, तो ये जो पूरा सिस्टम यहां से यहां आया उसमें क्या हुआ, ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर वापस यहां पहुंच गया, तो एक पूरा डिस्टर्बेंस जो है ये पहुंचने से ये पार्टिकल एक बार ऊपर पूरा नीचे ओसिलेशन कर लेता है। तो ऐसे बार बार ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बार बार यहां पहुंचते रहेगा और ये ओसिलेशन पूरा करता रहेगा एक ही जगह पर। तो हो क्या रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे जा रहा है और मीडियम यहां पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का एक पार्टिकल है जो बार बार ऊपर नीचे यहां पर कर रहा है। तो ऊपर नीचे कर रहा है इसका मतलब ये वाइब्रेशन कर रहा है। वाइब्रेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस जा रहे हैं उसको एनर्जी भी दे रहे हैं और मोमेंटम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि वेव ऑन स्ट्रिंग में ये जो डिस्टर्बेंस बढ़ा है एक्चुअली में यही अपना वेव है। जब ये वेव जाता है तो मीडियम का कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। इसमें ये कह सकते हैं कि जब वेव ऑन स्ट्रिंग में ऐसे डिस्टर्बेंस जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मीडियम का पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशन करता है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है उसको एनर्जी और मोमेंटम दोनों देता है। तो अब जो है हमें थोड़ा बहुत वेव का आइडिया हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेव्स को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ये वेव ऑन स्ट्रिंग का है, यानी कि मैकेनिकल वेव जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल वेव ऐसे वेव्स को कहा जाता है जो कि किसी मीडियम के अंदर चलते हैं। तो वैसे वेव्स के बारे में ही हमें इस चैप्टर में ज्यादातर पढ़ना है। एक ऐसा वेव भी होता है जो किसी उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है या नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है, वो हमारे लिए एक अलग चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से। तो यहां पर हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में बातें करें तो उसी हिसाब से कुछ क्लासिफिकेशन यहां पर हम लोग करेंगे। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिनको, कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जिनको जरूरत होती है उनको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। दो वेव्स
which require medium for their movement are called mechanical waves. अब mechanical waves का example देखें तो पहला तो example यही है जो हम लोग chapter पढ़ने वाले हैं, यानी कि wave on string, ठीक है, या wave on water surface, wave on water surface, साउंड वेव, ये सारे मैकेनिकल वेव हैं. साउंड वेव्स, एक सिस्मिक वेव भी होता है. सिस्मिक वेव का मतलब जो कि अर्थक्वेक आता है तो वो भी एक वेव जैसा चलता है जिसको कि सिस्मिक वेव कहा जाता है. तो सिस्मिक वेव के लिए मीडियम क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ का जो मटेरियल है उसके अंदर ये वेव चलते हैं. तो ये हो गए मैकेनिकल वेव्स. दूसरा होता है, इनको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे लाइट है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मीडियम होगा तो चलेगा नहीं. मीडियम में भी चल सकता है लेकिन बिना मीडियम के भी चल सकता है. तो ये उस टाइप के वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती. दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर मूवमेंट, है ना. अगर इस नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइट, है ना. लाइट वेव है और वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव फील्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं, है ना. जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर वेव ऑन स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का पार्टिकल वाइब्रेट करता है. वाटर के सरफेस पर देखें तो वाटर का जो मोलिकुल है ये ऊपर नीचे जाते हैं. अगर हम बात करें साउंड वेव में, तो साउंड वेव अगर किसी गैस के अंदर चल रहा हो तो गैस के मोलिकुल्स वाइब्रेट करते हैं वहां पर, है ना. उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि साइनसॉइडली जो है वो वाइब्रेट करता रहता है. तो ये एग्जाम्पल हो गए नॉन मैकेनिकल वेव्स के. और जो अगला क्लासिफिकेशन है वो होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड वेव. जैसा कि हमने बताया कि जब वेव चलता है तो दो चीजें चलती हैं, एक तो खुद वेव चलता है और एक मीडियम का पार्टिकल चलता है. तो इनका जो मोशन है वेव का और पार्टिकल का, वो कई बार पैरेलल होता है और कई बार परपेंडिकुलर होता है. तो इसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है. एक होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में इन दोनों का जो मोशन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव, है ना. जैसे कि अगर हम बात करें इसमें वेव ऑन स्ट्रिंग की, वेव ऑन स्ट्रिंग में मैंने वैसे यहां पर फिगर में आपको समझाया यहां पर कि ये जो डिस्टरबेंस है या जो पल्स है ये चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि मीडियम का पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, है ना. तो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन कर रहा है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, और वेव जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना. तो इसमें मैं एक छोटे से फिगर से इसको समझा देता हूं.
जैसे देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरह से डिस्टरबेंस जो है वो चलते हैं, तो ये डिस्टरबेंस है ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी एक पार्टिकल की बात करें जो मीडियम के अंदर है, एक पार्टिकल हमेशा ऊपर और नीचे चलता है, तो ये जो y डायरेक्शन हो गया, ये एक्चुअल में y डायरेक्शन में जो है पार्टिकल मोशन में होते हैं, ये हो गया मोशन ऑफ पार्टिकल, जबकि x डायरेक्शन में इधर कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, ये हो गया वेव मोशन, ठीक है। तो दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो वेव चल रहा है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है। इसमें जो दूसरा पार्ट आता है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये दोनों जो मोशन होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू वेव मोशन, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें साउंड वेव में, तो साउंड वेव में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई सोर्स है, है ना, तो सोर्स से वैसे साउंड तो हर डायरेक्शन में निकलता है, साउंड कहते हैं कि एक एनर्जी है, हर तरफ निकलता है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इधर है तो ऑब्जर्वर के पास कौन सा साउंड पहुंचेगा, जो कि बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे। तो साउंड वेव जो है एक्चुअली में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलता है, है ना। इसको ऐसे दिखाया जाता है, जहां डेंसर लाइन दिखाया गया है यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, और जहां रेयरर लाइन दिखाई गई है लाइन का गैप ज्यादा है, यहां पर इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन का मतलब हो गया वहां पर एयर की डेंसिटी कम है, तो ये अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है इसमें बनते रहते हैं। तो देखेंगे कि इसमें जो होता क्या है कि जैसे साउंड वेव जो है वो चलेगा बिल्कुल सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये हो गया वेव मोशन। वेव मोशन देखेंगे कि ऐसे चल रहा है। अब यहां पर जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के पार्टिकल्स, ये भी पैरेलल ही ऑसिलेशन करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो किसी समय पर जो है जैसे यहां पर क्या होगा कि दोनों तरफ से पार्टिकल्स आ रहे होंगे, तो यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। अब यहां पर देखेंगे दोनों तरफ डेंसिटी, यहां वाला इधर जा रहा है, यहां वाला इधर जा रहा है, तो इधर तो डेंसिटी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में कम हो रहा है, तो बीच में रेफ्लेक्शन बन जाएगा। उसी तरह से यहां वाला इधर जा रहा है, यहां वाला इधर जा रहा है, तो यहां डेंसिटी बढ़ गई, फिर यहां वाला इधर जा रहा है, यहां वाला इधर जा रहा है, तो यहां डेंसिटी घट गई, यहां बढ़ गई, है ना। तो इस तरह से कहीं पर कंप्रेशन, कहीं पर रेयरफेक्शन बनता है, कहीं डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो वेव है वो बिल्कुल इधर जा रहा है, और पार्टिकल मोशन है जो गैस के मोलिकुल्स हैं वो भी उसके पैरेलल ही ऐसे चिम करते हैं। तो इसमें जो है जैसे मैंने यहां पर ये जो वाइब्रेशन का दिखाया है, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे वाइब्रेशन, ये है पार्टिकल मोशन। तो इसमें पार्टिकल मोशन और ये वेव मोशन दोनों जो है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग तीसरा वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे वेव्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसा वेव जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, वेव विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी, ठीक है। तो जैसा कि वेव्स का डिफिनीशन मैंने बताया था, डिफिनीशन में ही बताया था कि वेव क्या है, ऐसा डिस्टरबेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि हर वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कोई भी सिंगल वेव होगा तो वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है और वो प्रोग्रेसिव नेचर का होगा। एवरी सिंगल वेव
इज प्रोग्रेसिव बाय नेचर, है ना। लेकिन दो प्रोग्रेसिव वेव को मिला करके एक ऐसा वेव बनाया जा सकता है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ध्यान रखना है कि हमने डिफिनेशन में ही बताया कि हर वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब हर डिस्टर्बेंस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बात भी सही है कि एवरी सिंगल वेव जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी हर वेव जो है अगर एक सिंगल वेव की बात करें तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो दूसरा वाला वेव है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सिंगल वेव होता नहीं है, ये दो वेव के सुपरपोजिशन से बनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हर एक वेव जो होता है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, उनको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। और दो प्रोग्रेसिव वेव के मिलाने से एक ऐसा वेव बनाया जा सकता है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसे हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं, है ना। वेव विच डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी और मोमेंटम है वो दो पॉइंट के बीच में फिक्स्ड रहता है, एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेंस कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कन्फाइंड रहता है। जैसे मैं कहूं कि एक स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड पर फिक्स्ड कर दिया, अब इसको वाइब्रेट करा दिया, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा देखेंगे कि एनर्जी इसी पर रहेगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो नोड कुछ वैसे ही पॉइंट होते हैं जहां पर स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड रहता है। जब यहां पर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो एनर्जी इसके पार नहीं जा सकता, इधर पार नहीं जा सकता, तो दोनों नोड के बीच में कन्फाइंड रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि स्टेशनरी वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये दो प्रोग्रेसिव वेव के सुपर पोजिशन से बनता है। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड By superposition का मतलब दोनों को कंबाइन करना है, superposition of two progressive waves, superposition of two progressive waves। अब ध्यान रखना है कि स्टेशनरी वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में भी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस पर पूरा एक सेक्शन, एक सब टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर ही, तो तब वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि स्टेशनरी वेव में किस तरह से जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रहता है। ठीक है, अब जो है ये जो वेव्स के बारे में हमने पढ़ा, तो वेव्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसका डिफिनेशन देखा, अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। जैसा SHM में हम लोग SHM का इक्वेशन देखते थे, वैसे ही वेव का भी इक्वेशन होता है। और इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ वेव जो है उसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू, और y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। जैसे SHM का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, SHM का इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यानी y जो है वो टाइम का फंक्शन होता था। वैसे ही यहां पर जो है वाई जो है एक्स और टी का फंक्शन है। इसको एक फिगर से समझते हैं कि यहां पर वाई क्या है और एक्स क्या है। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रिंग हो गया, इसको यहां पर दीवार में अटैच कर दिया है, है ना, और इसमें जो है एक वेव इसके ऊपर इस तरह से चल रहा है। अब मैं इसमें एक पार्टिकल की बात करता हूं, ये पार्टिकल है। ठीक है,
तो ये पार्टिकल जैसा कि मैंने बताया ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, ये वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, तो जैसे एस एच एम का इक्वेशन लिखते थे इस तरह से हम लोग, है ना, एस एच एम का इक्वेशन ऐसे लिखते थे, ये क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ये भी एक्चुअली में वही बताता है, क्योंकि जब वेव चलता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो भी एस एच एम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो वाई है, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल हुज मीन पोजीशन इज एट एक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। है ना, तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसको मैं समझाता हूं। क्या बताया, थोड़े देर के लिए ब्रैकेट वाला चीज भूल जाते हैं, ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है, कहा है कि वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी ये जो पार्टिकल एस एच एम कर रहा होगा उसका मीन पोजीशन कहां पर है, ये इसका मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर है कितना नीचे है ये बताता है वाई। ठीक है, अब यहां पर एक्स क्या है, कहा गया कि उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताते हैं हुज मीन पोजीशन इट एट एक्स, मतलब इसका जो मीन पोजीशन है अगर ये ओरिजिन मान लिया जाए तो उसका मीन पोजीशन ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि जब एस एच एम में हम लोग इक्वेशन लिखते तो वहां एक्स नहीं आता था, क्यों नहीं आता था, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टिकल होता था, एक पार्टिकल का हम लोग एस एच एम का इक्वेशन लिखते थे, यहां पर हजारों पार्टिकल हैं, इस स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही पार्टिकल नहीं, हजारों पार्टिकल हैं, सब अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और सबके एस एच एम का इक्वेशन जो है हमें एक साथ में लिखना है। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो कहा जाता है कि जो एक्स है, एक्चुअली में एक्स जो है ये है आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल, अगर मैं एक्स का वैल्यू टू रख देता हूं तो टू रखने से इक्वेशन जो है वो वाई फंक्शन ऑफ टी बन जाएगा, यानी सिर्फ एस एच एम का इक्वेशन रख जाएगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू टू रखने का मतलब क्या हुआ कि यहां से एक्स का वैल्यू टू रखेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू यहां आया तो कहेंगे एक्स इक्वल टू पर जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का मैं उस पार्टिकल के एस एच एम का इक्वेशन ये लिख रहा हूं, समझ गए। तो एक्चुअली में इस पे हजारों पार्टिकल है, हर पार्टिकल का कोई नाम नहीं है, राम श्याम सूरज नीरज ऐसा कोई नाम नहीं है, तो नाम देने के बदले हम लोग क्या बोलते हैं उसका उसका जो लोकेशन है, यहां से लोकेशन बताते हैं कि यहां से x इज इक्वल टू 5 मीटर पर जो पार्टिकल है हम उसकी बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल का लोकेशन बताता है ये x, या यूं कहें कि उसकी पहचान है, इसीलिए मैंने बताया कि एक्स क्या है, उस पार्टिकल की आइडेंटिटी है। अगर एक्स की वैल्यू हमने डाल दिया कि 2 मीटर पर है तो सिर्फ ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम रह जाता है। ठीक है, अब जो है ये हमने समझा कि इसमें वाई क्या है, वाई तो है मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, टी जो है वो टाइम है कि किसी टाइम टी पर अगर ये एस एच एम कर रहा है तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर है कितना नीचे है ये बताता है, और एक्स बताता है कि हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहां से कितने मीटर की दूरी पर उसका मीन पोजीशन है वो एक्स बताता है। ठीक, अब जो है जैसे कि एस एच एम का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता था वैसे ही वेव का भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, जैसे इक्वेशन है इसमें y को टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं,
फिर वाई को ही एक्स के रेस्पेक्ट में भी दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब ध्यान रखना है क्योंकि दो दो वेरिएबल है तो हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार वाई को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर y को x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए और ये जो कांस्टेंट है वेव की वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है ना, वेयर v इज स्पीड ऑफ वेव। ठीक, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, y इज फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, है ना। यहां पर a और b जो है वो कॉन्स्टेंट है, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है एक्चुअली में वेव का इक्वेशन कुछ इसी टाइप का इसी फॉर्म में होता है ना। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसको समझने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे y को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं डेल y बाई डेल t, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कितना आएगा, जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो b है वो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कुछ। ठीक, अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं मतलब डेल 2y बाई डेल t2, तो डिफरेंशिएशन में भी ये वाला टर्म तो बचा ही रहता है, तो अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये b बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर f डैश, है ना, f डैश कुछ आएगा यहां पर ax प्लस माइनस bt, है ना, ये ax प्लस माइनस bt, यहां भी आएगा ax प्लस माइनस bt ऐसे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया। उसी तरह से अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है वो है a, तो a बाहर आ जाएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a आएगा f डैश ax प्लस माइनस bt, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे d2y by dx2, तो एक बार फिर से a बाहर आएगा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर f डबल डैश ax प्लस माइनस bt। अब देखेंगे कि अगर इसका और इसका रेशियो निकालें डेल 2y बाई डेल t2 डिवाइडेड बाई डेल 2y बाई डेल x2, तो रेशियो निकालेंगे तो इसमें b स्क्वायर है इसमें a स्क्वायर है, बस ये रह जाएगा, है ना, बाकी ये वाला टर्म दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है इसी को यहां पर कहा गया है v स्क्वायर, है ना, ये हो गया v स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो v होगा, v को हमने कहा था कि यह है स्पीड ऑफ वेव, तो अगर हमें निकालना हो स्पीड ऑफ वेव तो इसको लिखा जा सकता है b बाई a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में तो इसमें से वेव का स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, t का कोएफिशिएंट है b और x का कोएफिशिएंट है a, तो t का कोएफिशिएंट से x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो वेव का स्पीड जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वेव का हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ा है ना, जो वेव इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है कुछ इस टाइप का, तो हम लोग ये देखेंगे कि इस जनरल फॉर्म से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहला इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पता कर सकते हैं वो ये है कि जो वेव है उसका स्पीड कितना, अभी हमने स्पीड कैलकुलेट किया था तो कर सकते हैं वेव स्पीड
इज इक्वल टू v इज इक्वल टू b बाई ए. b का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई a का मतलब हो गया x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट ऑफ x. t के साथ में जो कांस्टेंट है b और x के साथ में जो कांस्टेंट है a उनका रेशियो निकालेंगे तो वेव का स्पीड पता कर सकते हैं. ध्यान रखना है हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो यहां पर प्लस माइनस साइन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ ये कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर रखना है. तो इस तरह से हम लोग स्पीड पता कर सकते हैं. फिर वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं. अगर बी और ए दोनों के सामने आइडेंटिकल अगर साइन होगा तो इसका मतलब वेव जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. अगर दोनों में डिफरेंट साइन होगा मतलब वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना. वेव मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन coefficients of x and t. यहां पर coefficient का मतलब है a और b से have different sign. मतलब a और b के जो सामने sign है अगर वो different होगा तो इसका मतलब यह है कि जो वेव है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. मतलब अगर वेव का इक्वेशन कुछ ऐसा हो a प्लस माइनस बी टी एक्स माइनस प्लस, मतलब यहां माइनस हो तो यहां प्लस हो, यहां प्लस हो तो यहां माइनस हो, उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा. जब बताया कि दोनों का साइन जो है वो एक जैसा होगा तो वेव जो है निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. वेव मूव्स अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड टी have identical sign. Identical sign का मतलब है दोनों का जो साइन है वो एक जैसा होना चाहिए. मतलब ऐसा हो ax plus minus bt, यहां भी plus minus, मतलब यहां plus हो तो वहां भी plus हो, यहां minus हो तो यहां भी minus हो, तब उस condition में जो wave है वो negative x direction में travel करता है. फोर्थ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पता कर सकते हैं वो ये चेक करने के लिए होगा कि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है ये इक्वेशन सही है या नहीं है, मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेव में जो पार्टिकल होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, वो कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा सकता. और हमने कहा कि इस इक्वेशन में जो y है एक्चुअली में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो SHM कर रहा है. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो y है ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना. SHM कर रहा हो या ऑसिलेशन कर रहा हो या पीरियडिक मोशन कर रहा हो जो भी हो, वाई जो है इनफाइनाइट कभी भी नहीं होना चाहिए. तो मतलब इस फोर्थ वाले पॉइंट से हम लोग ये चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है क्या वाकई में ये वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, है ना. तो कह सकते हैं कि फॉर अ वेव इक्वेशन टू बी करेक्ट वाई शुड बी फाइनाइट for any combination of x and t.
आप देखेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया इसमें एक्स और टी दो वेरिएबल है, तो मैं एक्स और टी की कोई वैल्यू रखूं, इनफैक्ट मैं इनफाइनाइट भी रख दूं इनकी वैल्यू, तो भी वाई का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वाई का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो वाई का वैल्यू फाइनाइट होगा तब कहेंगे कि जो इक्वेशन है वेव को रिप्रेजेंट करता है, अगर वाई का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यहां पर देखेंगे कि एक इसमें कई सारे इक्वेशन दिए गए हैं, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेव, है ना। तो पहली बात इसमें हमें ये चेक करनी होगी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि अपना जो जनरल फॉर्म होता है इस फॉर्म में ये है कि नहीं है, पहली बात तो ये चेक करनी होगी। तो अब देखेंगे कि जो है इसमें से एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों तो इस फॉर्म में है, ये वाला वेव फॉर्म में है ही नहीं, है ना। मतलब जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस माइनस bt उस वाले फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गायब हो गया, ठीक। अब जो है एक ये जो मैंने ये फॉर्मेशन बताया d वाला, ये बताया कि y को किसी भी x और t के लिए फाइनाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है ना, मतलब अगर मैं x को इनफाइनाइट रख दूं, t को जीरो रख दूं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा y। तो y जो है ये इनफाइनाइट हो सकता है, इसलिए अपना वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है ये भी इनफाइनाइट हो सकता है, x प्लस वी टी लॉग में है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट हो सकता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये तो जनरल फॉर्म में ही नहीं है। ये वाला इक्वेशन जो है अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, y इज इक्वल टू वन बाई ई पावर एक्स प्लस वी टी होल स्क्वायर, अब ये उस वेव वाले जनरल फॉर्म में तो है पहली बार, अब देखते हैं कि ये इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा। तो देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैं इन्फिनिटी रख सकता हूँ और कम से कम जीरो रख सकता हूँ या निगेटिव में रख सकता हूँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी रखूँ या प्लस इन्फिनिटी रखूँ या जीरो रखूँ। जीरो रखने से क्या होगा कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी वन, वाई का मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो है ये आएगा वन। अगर इसकी वैल्यू मैं इन्फिनिटी रख दूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये इन्फिनिटी रखूँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो वाई जो है वो जीरो आएगा, यानी वाई की जो वैल्यू है वन और जीरो के बीच में ही वेरी करना है। तो देख सकते हैं कि जो वाई है वो फाइनाइट है ना। वाई ये हो गया एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू है एक्स और मिनिमम वैल्यू है इसमें जीरो, तो वाई की जो वैल्यू है वन और जीरो के बीच में वेरी करना है, मतलब कि वाई जो है फाइनाइट होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वेव इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में दिया हुआ है, यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये वेव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यहां पर हमें एक पल्स का इक्वेशन दिया गया, पल्स का मतलब जो है डिस्टरबेंस। स्ट्रिंग के ऊपर मैंने बताया था कि ऐसे कुछ चूहे जैसा शेप बनता है और ये शेप भागता है, शेप क्या है, ये डिस्टरबेंस है, या इसको पल्स भी कहा जाता है ना। एक बार हमने ऐसे डिस्टरबेंस भेजा, मतलब एक पल्स भेजा, फिर दूसरी बार भेजा दूसरा पल्स गया, तो ये एक पल्स का इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन का मतलब कि ये स्ट्रिंग का शेप बताएगा ये, ठीक है। तो कहा गया इट रिप्रेजेंट्स अ वेव पल्स, देन चूज करेक्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया गया है पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने ऑप्शन बताया यहां पर इनमें से हम लोग देखेंगे कि आप देखेंगे कि यहां पर t के सामने पॉजिटिव साइन है, यानी 5 का पॉजिटिव साइन है और 4 के सामने भी पॉजिटिव ही है। तो अगर t और x दोनों के साइन, मतलब कोएफिशिएंट्स के साइन अगर आइडेंटिकल हो तो वेव निगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। यहां हमने बताया है कि वेव मूव्स अलोंग निगेटिव x डायरेक्शन व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड t हैव आइडेंटिकल साइन, मतलब दोनों प्लस प्लस हो तो या दोनों माइनस माइनस हो तो वेव जो है निगेटिव डायरेक्शन मूव करेगा, यानी ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन में पूछा गया है इन 2 सेकेंड्स इट विल ट्रेवल 2.5 मीटर डिस्टेंस। तो कितना ट्रेवल करेगा उसको जानने के लिए तो पहले हमें स्पीड पता होना चाहिए। तो वेव स्पीड पता करने का जो तरीका मैंने बताया वो है बी बाई ए, मतलब टी का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोएफिशिएंट। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर हमने ये बताया है कि
कि वेव स्पीड जो है बी बाई ए से फाइंड करा जाता है। तो इसमें इस इक्वेशन में देखेंगे तो टी का कोएफिशिएंट है 5 और एक्स का कोएफिशिएंट है 4, तो मैं लिखूंगा 5/4 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकेंड, ये वेव का स्पीड हो गया। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू टी होना चाहिए क्योंकि वेव जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कहीं कहीं पर अगर मीडियम जो है बदल रहा हो तब एक्सेलरेशन आता है, अदरवाइज होमोजेनियस मीडियम में कांस्टेंट स्पीड से चलता है वेव। तो जो v है ये हो गया 1.25 और टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो देखेंगे कि ये आएगा 2.5 मीटर, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, 2 सेकेंड में 2.5 मीटर ट्रेवल करेगा। सी जो है तीसरा ऑप्शन, इसमें पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो 0.16 मीटर होगा। अब चेक करते हैं सही है या गलत है, तो देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, वाई मतलब कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताता है, जैसा कि मैंने बताया था ये दिया है 0.8 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। अब देखेंगे कि अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो तो डिनोमिनेटर को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखेंगे यहां पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी ये मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो वाई हो जाएगा मैक्सिमम और ये होगा 0.8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.16 मीटर, यानी ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, ये कहा गया इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्रिक का मतलब है ये शेप के बारे में बात कर रहा है, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, है ना, ग्राफ बनाना क्या मतलब, स्ट्रिंग का शेप दिखाना, जैसे ये शेप है, ये शेप बनाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, शेप बनाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी स्ट्रिंग का शेप देखना हो या वेव का शेप देखना हो तो हमें टाइम को फिक्स्ड कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि जब वेव चल रहा होगा तो स्ट्रिंग जो है वो उसका शेप बार बार बदल रहा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। अगर मैं उसका एक फोटो खींचूं तो फोटो खींचने से उसका एक शेप मुझे दिखेगा, अगली बार फोटो खींचूंगा तो कुछ अलग शेप दिखेगा, है ना। तो अगर मैं फोटो खींचता हूं, फोटो खींचने का मतलब क्या, मैंने एक टाइम को फिक्स कर दिया क्योंकि वो इंस्टेंट पर फोटो खींचा जाता है। जब टाइम पर एक टाइम को मैं फिक्स करूंगा तभी मुझे उसका शेप दिखेगा, अदरवाइज शेप तो बदलता हुआ दिखेगा। तो इसमें मैं टाइम फिक्स करना चाहता हूं, मैं टाइम फिक्स कर देता हूं और सबसे आसान तरीका क्या है, मैं टी को 0 रख देता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये कुछ रिड्यूस होकर के ऐसा हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा, है ना। अब देखेंगे कि इसमें x का स्क्वायर है ना, तो अगर मैं x का वैल्यू एक तो जब 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 0.16। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखने से अब x का वैल्यू बदलते जाएंगे, y के वैल्यू मिलते जाएगा तो शेप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे उसका। जैसे मैं x का वैल्यू +1 रखूं या -1 रखूं, y का वैल्यू बराबर आएगा। x का वैल्यू +1 रखेंगे या x का वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू बराबर आएगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है वो ये आ गया, y बराबर होने का मतलब ये हाइट बराबर होना चाहिए। फिर उसी तरह से x का वैल्यू मैं +2 रखूं या x का वैल्यू मैं -2 रखूं, दोनों में बराबर आएगा y की वैल्यू। मैं मान लेता हूं ये हो गया, है ना, कुछ इस तरह से। फिर उसी तरह से x का वैल्यू मैं +3 रखूं या -3 रखूं, दोनों केस में y की वैल्यू बराबर आएगा। मान लेते हैं कि ये आ गया वैल्यू। ठीक है, अब इन सब पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ जाएगा ये, है ना, इस तरह से। तो इसमें आप देखेंगे अगर x का वैल्यू मैं इन्फिनिटी करता हूं तब जाकर के y 0 आता है। तो स्ट्रिंग का जो शेप है यानी जो पल्स का शेप है ये कुछ ऐसा बन रहा है।
आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा शेप इधर है वैसा ही शेप इधर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पल्स है वो सिमेट्रिक पल्स है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये भी सही ऑप्शन है।